हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का 140 बिलियन डॉलर परदेशी बैंकों में है, 140 बिलियन डॉलर, 140 अरब डॉलर। इसको अगर रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपया बैठता, इतना पैसा परदेशी बैंकों में पड़ा, सब रहा, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इनमें से आधे से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो मर चुके हैं, माने उनके बीवी बच्चों को भी नहीं मिलने वाला, गया पैसा हाथ से। लेकिन जिन बैंकों में यह पैसा पड़ा है वो बैंक भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको भी संकट है। स्विस बैंकों में जहां देश के नेताओं का पैसा पड़ा है घोटालों का, वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेताओं के परिवारों को वो मिलने वाला नहीं है, एक पैसे का हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पर सर्विस चार्ज देना पड़ता है ऊपर से। तो क्या करना चाहिए? तो इसका बहुत आसान सा सलूशन है, ये करना चाहिए कि ये हमारे देश के पार्लियामेंट में एक कानून आना चाहिए, बिल आना चाहिए, और वो बिल कानून बनना चाहिए। वो बिल ये कहेगा, पार्लियामेंट में आएगा और बिल ये कहेगा कि जितना पैसा परदेशी बैंकों में घोटालेबाज नेताओं का है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी। बस इतनी घोषणा करानी है कि जितने फॉरेन बैंक के अकाउंट्स में भारत के नेताओं का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तकलीफ हो सकती है, एक जर्नल स्टेटमेंट करा देना है पार्लियामेंट के अंदर कि जितना पैसा परदेशी बैंकों में पड़ा है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या होगा, जैसे ही ये कानून यहां पारित होगा वैसे ही स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वो कभी भी किसी राष्ट्र की संपत्ति अपने यहां नहीं जमा कर सकते। वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा कर सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी जमा कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति उनके बैंकों में नहीं आ सकती, उनका कानून है। तो हम क्यों ना उनके कानून का फायदा उठाएं। तो जैसे ही वो पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होगा सारी विदेशी बैंकें वो पैसा आपको वापस करेंगी क्योंकि आपकी राष्ट्रीय संपत्ति। और जैसे ही वो पैसा वापस आएगा तो 140 अरब डॉलर 5 साल जीरो टैक्स इकोनॉमी चलाने के लिए काफी है, शायद ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 7-8 साल भी हमारी इकोनॉमी चल जाए बिना कोई टैक्स लिए हुए। और ये कानून अगर पार्लियामेंट में आया, एक भाई को मैंने कहा, उसकी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही, वो एमपी है, वो कहते हैं राजीव भाई बड़ा मुश्किल है, इतना विरोध होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा देखिए इसी कानून में बिल्कुल विरोध नहीं होगा। तो क्यों? इसलिए कि जब ये कानून पार्लियामेंट में आएगा, बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो एमपी विरोध करेगा वही सारे देश के सामने एक्सपोज होगा। तो उससे मैसेज किया जाएगा पूरे देश में, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एमपी है, उसका कुछ भी नाम है, वो विरोध कर रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उसी का पैसा परदेशी बैंक में सबसे ज्यादा है। और कोई भी एमपी नहीं चाहता कि उसकी ये पोल पट्टी खुले। अगर ये पोल पट्टी खुली तो दो फायदे होंगे आपके देश को, या तो ऐसे एमपी भागकर विदेशों में बस जाएंगे, वो हिंदुस्तान की धरती छोड़ देंगे, और ऐसे लोग जितनी जल्दी देश की धरती छोड़े उतना अच्छा, या फिर उनमें अगर हिम्मत होगी तो पार्लियामेंट में ये बिल पारित होगा और सारा पैसा विदेशों से भारत के बैंकों में आएगा।